Hello Larnach, welcome to our channel. Today I am going to discuss English Literature book, class 6, chapter 5, and the particular chapter name is Daring to Dream Big. Daring to Dream Big. And today I am going to discuss all question answer along with your all reference questions, okay? So listen very carefully and learn smartly, okay? So you can see very well, it is your chapter 5th, Daring to Big Dream. We have already discussed this chapter in your classroom. Now you can look here. Okay. So now we will start the question answer, right? Daring to dream big. Reference question first. So here is given a line. You have to read carefully, very carefully. Then you have to answer one by one. Okay. Okay. So it was with his intention that she boarded the Padmavat Express on that fateful day, and squeezing herself through the surging crowd, found a corner seat for himself in the general compartment. So क्या है इस लाइन में बोला जा रहा है कि जो जा रही है पद्मावत एक्सप्रेस में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी एक कोना वो ढूंढ लेती है बैठने के लिए जनरल कंपार्टमेंट में. सो नाउ योर क्वेश्चन विल बी स्टार्ट. हु इज She in this line. तो ये जो लाइनें यहाँ पे दी गई थी ना, ये लाइनों को कौन बोल रहा है? Who is she? ये बोला गया है ना, she कहाँ है? She कहाँ है? या she यहाँ है, देखो आप लोग, you can see very well. She ठीक है. It was with his intention that she boarded the Padmavat Express. Now your question is, who is she in this line? In लाइनों में she कौन है? So your answer is, she is the young girl who is national level volleyball player and has studied law after her post graduation. तो she यहाँ वो बच्ची है जिसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं, और वो क्या थी? वो volleyball player थी, और अभी graduation complete करने के बाद law कर रही थी. ठीक है. Now the second question, a reference question, don't be confused, okay? Now, where was she going and with what intention? किस intention के साथ वो जा रही थी और कहाँ जा रही थी? Now your answer is, she was going to Delhi with the intention of rectifying an error in her date of birth in the CSF call letter. तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो अपना सारा पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके अब वो CISF ज्वाइन करने के लिए जा रही है, तो कॉल लेटर में उनका डेट ऑफ बर्थ का कुछ इशू हो गया है, उसी को करेक्शन करवाने के लिए वो कहाँ जा रही है? दिल्ली जा रही है. सी इज गोइंग टू दिल्ली. एंड नाउ होपिंग इट वुड इम्प्रूव हर चांसेस ऑफ सिक्योरिंग अ जॉब, और उम्मीद है कि इस डेट ऑफ बर्थ को वो सुधार लेगी तो उनको अपना जॉब सिक्योर करने का एक चांस मिल सकता है. नाउ the third one is, why is the day described as fateful? उस दिन को fateful क्यों consider किया गया है? So your answer will be, the day is described as fateful because it was the day she faced a horrific ordeal when she was attacked by hooligans on the train. इसको fateful क्यों बताया गया है, इतना दुख वाला क्यों बताया गया है? क्योंकि उसी दिन उसके साथ बहुत ही हॉरिबल घटना घटी है, और उनको उन पर अटैक हुआ है ट्रेन में ही, इसलिए तो ट्रेन से उसको धक्का मार दिया जाता है. नाउ दी डी नंबर क्वेश्चन, विच वर्ड इज द अबव लाइंस मीन्स अ सडन इंक्रीज? तो सडन इंक्रीज ये कॉमा में है, सडन इंक्रीज, तो इसका आपको मीनिंग बताना है. सो नाउ योर आंसर विल बी, सर्जिंग मीन्स अ सडन इंक्रीज. ठीक है,
सर्जिंग का ही मतलब क्या होता है, सर्जिंग का ही मतलब होता है सडन इंक्रीज। नाउ टू नंबर, अगेन वी हैव अ लाइन एंड रीड वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू रिप्लाई द क्वेश्चंस। सो क्या है टू नंबर में, एंड दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ हर ऑर्डिल, ऑल नाइट लॉन्ग ट्रेन केम एंड वेंट 49 ऑफ देम, बट हर अगोनाइज्ड स्क्रीम्स फेल ऑन डीफ ईयर्स। कि क्या हुआ था शुरुआत में, वो लड़की के साथ जब ये अटैक हुआ, घटना घटी, पूरी रात वो दर्द से चिल्लाती रही ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर, 49 लोगों के बीच में को किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी ट्रेन में, और ऐसा लग रहा था कि सब क्या हो गए हैं, एकदम से क्रूअल हो गए हैं, और किन्हीं को उस मासूम बच्ची की चीख पुकार सुनाई नहीं दे रहा, कोई आगे नहीं बढ़ता है उसको बचाने के लिए, बहुत शर्म की बात है। नाउ योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द पर्सन एट दिस पॉइंट इन द टाइम। तो यहाँ पर वेयर वॉज द पर्सन, अभी वो पर्सन कहाँ है एट दिस पॉइंट इन टाइम, जिस टाइम पे उनको पॉइंट किया जा रहा है उस वक्त वो कहाँ है। नाउ योर आंसर इज एट दिस पॉइंट इन टाइम द पर्सन वॉज लाइंग बिसाइड द रेलवे ट्रैक। तो कह रहा है कि रात का समय है, रेलवे ट्रैक में वो बेचारी पड़ी हुई है, उनके पैर कट गए हैं, और वो दर्द में से कहार रही है, और कोई भी उसको नहीं देख रहा है, पूरे वो रात भर वहीं तड़पती रही। नाउ दी बी, व्हाट हैपेंड टू हर, क्या हुआ था उनको। शी हैड बीन थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, क्या हुआ था, उसको उठा करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था बाय होलीगन्स, होलीगन्स मतलब वो बदमाश लोग। आफ्टर शी डिफेंडेड हरसेल्फ फ्रॉम देयर अटैक, तो किसी तरह से क्या बोल रही है, डिफेंडेड हरसेल्फ, जब वो अपने आप को बचा रही थी उन लोगों से, तो इनको क्या कर दिया गया था, थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, फेंक दिया गया था ट्रेन से उठाकर नीचे। वाई वॉज सी इज अगोनी, एंड वो इतना ज़्यादा अगोनी क्यों हो रही थी। ऑब्वियस सी बात है कि उनके पैर कट गए हैं तो वो अगोनी फील करेगी, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, अगोनी मीन्स क्या होता है, दर्द और पीड़ा, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रही है, और वो दर्द में क्यों थी आपसे पूछ रहे हैं। सी वॉज इन अगोनी बिकॉज ऑफ द फिजिकल इंजरीज एंड द ट्रामेटिक एक्सपीरियंस ही हैड जस्ट इंज्योर, कि अपने हिम्मत से वो हिम्मत तो रख रही थी लेकिन वो बेचारी क्या थी, फिजिकल इंजरी से पीड़ित थी। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपेंड इमिडिएटली आफ्टर दिस, इसके तुरंत बाद ही क्या होता है। योर आंसर विल बी इमिडिएटली आफ्टर दिस डिस्पाइट हर स्क्रीम्स फॉर हेल्प नो वन केम टू हर रेस्क्यू एज ट्रेन केप्ट पासिंग बाय, कि कोई भी एक इंसान नहीं आया उस बेचारे की मदद करने के लिए, ये बहुत दुख की बात है। नाउ द थर्ड वन, अगेन वी हैव अ लाइन, फिर से इस लाइन को पढ़ के हमें केयरफुली आंसर करना है। बट वेन सी वॉइस्ड हर प्लान टू पीपल दे आइदर लाफ्ड इट ऑफ हर डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज नॉट इन अ प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज ऑफ वॉट शी हैड बीन थ्रो। तो ये लाइनें हैं, अब आपको इसका आंसर करना है कि हु इज सी, यहाँ पर सी कौन है। सी इज यंग गर्ल हु वॉज अटैक्ड ऑन द ट्रेन, ये वही बच्ची है जिसके साथ ट्रेन में जिस पर अटैक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वॉज हर प्लान, अब उसका आगे का प्लान क्या है उस बच्ची का। हर प्लान वॉज लाइकली टू ओवरकम हर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एंड कंटिन्यू टू परस्यू हर ड्रीम्स, कि इतने कष्ट के बाद भी अब अपने ड्रीम को वो आगे बढ़ाएगी, परस्यू करेगी, डिस्पाइट हर इंजरीज एंड द सेटबैक्स, कि जो भी उनका पिछला रहा है, जो भी चोट रही है, जो कुछ भी उसकी स्थिति परिस्थिति रही है, इसके अलावा भी अब वो अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहती है। वाओ, सी इज वेरी कैरेजियस गर्ल, है ना। नाउ दिस सी, व्हाई डिड पीपल लाफ एट इट, वो लोग उस पर क्यों हंसते हैं, व्हाट हैड शी बीन थ्रू, ठीक है, और वो इससे वो किस तरह से गुजर रही है। पीपल लाफ्ड एट हर प्लान बिकॉज दे थॉट इट वॉज अनरियलिस्टिक गिवन हर सिचुएशन, कि ये इतने कष्ट भरे सिचुएशन में है और ये कैसे कैसे माउंटेन चढ़ने वाला काम करेगी, बताओ। एंड सी हैड बीन थ्रो अ ट्रॉमेटिक एंड ब्रूटल अटैक वेयर सी वॉज थ्रोन आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन लीडिंग टू सेवरल इंजरी, कि बहुत सारे उनको इंजरीज है, कठिन जटिल जटिल जो घाव हैं, इंजरीज हैं, उसे भरने में भी बहुत टाइम लगेगा, इतना बुरा हादसा हुआ, ब्रूटल अटैक हुआ है, बहुत ही बुरी तरीके से उसको उठा करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया है, इतना सब कुछ के बावजूद भी वो हौसला रख रही है और कुछ करना चाह रही है, तो लोग उस पर हंस रहे हैं कि चलने नहीं सकती है और
चलेगी पहाड़ चढ़ने, ऐसा हमारे समाज में खूब होता है, हमारे इंडियन कल्चर में तो ऐसा खूब होता है। नाउ टाइम टू क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दिस क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। ओके, यहाँ पे आपको देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड अरुणिमा ब्रॉड द पद्मावत एक्सप्रेस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। कि ये जो अरुणिमा है, अरुणिमा सिन्हा, वो पद्मावत एक्सप्रेस में पर्टिकुलर डे पर ही जा रही है। सो अरुणिमा ब्रॉडेड द पद्मावत एक्सप्रेस टू ट्रेवल टू दिल्ली टू रेक्टिफाई एन एरर इन हर डेट ऑफ बर्थ। तो उनको आज ही जैसे जाना है और अपना जो डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया उसको करेक्शन करवाना है, किस लिए, ऑन हर CISF कॉल लेटर, जो कि उनको जाकर के CISF में ज्वाइनिंग करनी है, होपिंग इट वुड इम्प्रूव हर चांस ऑफ सिक्योरिंग हर जॉब। तो ये ऐसा करने से ही वो अपनी जॉब को बचा सकती थी, इसीलिए उसका उसी दिन निकलना बहुत अर्जेंट हो गया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट हैपेंड अ व्हाइल लेटर आफ्टर सी सेट इन अ कॉर्नर सीट। क्या होता है जब इतनी भीड़ भरी रश वाले ट्रेन में वो चढ़ जाती है और जाकर के किसी तरह बड़ी मुश्किल से कॉर्नर वाली एक सीट में जाके बैठ जाती है, तब क्या हुआ। अ व्हाइल लेटर अरुणिमा वॉज कन्फर्टेड बाई हूलिगेंस हु ट्राइड टू स्टील हर गोल्ड चेन। तो वो बेचारी उन लोगों के बीच में फंस जाती है जो उनका गोल्ड चेन छीनना चाहता था, एंड सी डिफीटेड हरसेल्फ, और वहाँ पर वो हार जाती है। बट दे इवेंचुअली ओवर पावर एंड हर थ्रो ओवर पावर्ड हर एंड थ्रू हर आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन। और क्या होता है अंत में, उसका पावर जो ओवर पावर था वो डिफीट हो जाता है और उसको उठा करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। नाउ द थर्ड वन, व्हाई डिड द मैन थ्रो अरुणिमा आउट ऑफ द ट्रेन। उस हूलिगन ने, इतने निर्दय लोग थे, क्रूअल पर्सन्स थे, उन्होंने उठाकर बेचारी को सीधे ट्रेन से बाहर फेंक दिया, एक बच्ची को। तो क्यों फेंका। द मैन थ्रो अरुणिमा आउट ऑफ द ट्रेन बिकॉज सी रेजिस्टेड देयर अटेम्प्ट टू स्टील हर गोल्ड चेन। क्योंकि वो रेजिस्टेड कर रही थी, वो उसको छीनने से रोक रही थी, अपना गोल्ड चेन छीनने नहीं दे रही थी, इसीलिए उसको उठाकर फेंक दिया। एंड दे कुड नॉट हैंडल हर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। और वो लोग उसकी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को डिफीट नहीं कर पा रहे थे, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा छीना झपटी हो रही थी, तो उसने सीधे उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू अरुणिमा आफ्टर सी वॉज फ्लंग ऑन द ट्रैक। कि अब उस चीज़ को डिस्क्राइब करिए जब उसको ट्रैक पर उठाकर फेंक दिया गया था अरुणिमा को। आफ्टर बींग फ्लंग ऑन टू द ट्रैक्स अरुणिमा ले इंजर्ड एंड हेल्पलेस। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गई क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। स्क्रीमिंग फॉर हेल्पर, वो लगातार हेल्प के लिए चिल्ला भी रही थी, डिस्पाइट हर रिकॉग्नाइज क्राइज अगोनाइज क्राइज, इसके बावजूद कि वो दर्द से करहार रही थी, चिल्ला रही थी, नो वन केम टू हर एड एंड सी स्पेंड द इंटायर नाइट बाय द ट्रैक एज न्यूमरस ट्रेन्स पास्ड बाय। कि बेचारी वहीं पर पड़ी रही जहाँ से कम 40 ट्रेनें गुजर गई और रात भर वो वहीं पर पड़ी रही, तब तक उसका जो जख्म था बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, व्हेन वाज सी डिस्कवर्ड एंड वेयर वाज सी टेकन। कब उनको ढूंढा गया और उनको कहाँ लेके जाया गया। अरुणा डिस्कवर द नेक्स्ट मॉर्निंग बाय सम विलेजर हु फाउंड हर इन अ क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, तो कुछ वहाँ ग्रामीण जो गाँव के लोग थे, वहाँ के विलेजर्स थे, उन लोगों ने उनको पाया बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में पाया, एंड सी वॉज टेकन टू अ नियर बाई हॉस्पिटल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। और उन्हीं लोगों ने उनको सामने की हॉस्पिटल में एडमिट करवाया ट्रीटमेंट के लिए। नाउ दिस सिक्स्थ वन, व्हाट डिड द डॉक्टर डिसाइड टू डू विद हर लेग। डॉक्टर ने क्या डिसाइड किया उसके पैर के साथ। द डॉक्टर डिसाइडेड टू एम्पुटेट हर लेग टू सेव हर लाइफ। कि उसके पैर को क्या करना होगा, एम्पुटेट करना होगा, काट के हटाना होगा, तभी हम उसकी लाइफ बचा सकते हैं। बिकॉज द इंजरीज वर सेवर एंड देयर वॉज नो अदर ऑप्शन टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। कि आगे की कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए अब डॉक्टर के पास और कोई उपाय नहीं बच गया था सिवाय कि उसका पैर काट दिया जाए।
तब उन्होंने वो किया। नाउ द सेवेंथ वन, वाई वॉज अरुणिमा टेकन टू एम्स, एम्स में क्यों उनको ले जाया गया। अरुणिमा वॉज टेकन टू एम्स, एम्स फुल फॉर्म ऑफ द एम्स इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फॉर बेटर मेडिकल केयर एंड टू रिसीव एडवांस ट्रीटमेंट फॉर हर इंजरीज इंक्लूडिंग फिटिंग हर विद अ प्रोस्थेटिक लेग। तो अब क्या हुआ कि उनका पैर काट के हटा दिया गया, फिर उनको एक नया प्रोस्थेटिक लेग लगा दिया गया, नकली जिसको बोलते हैं, और वो लगा करके उसको किसी तरह से ठीक किया। तो इतना सब कुछ बेटर ट्रीटमेंट करवाने के लिए ही उनको एम्स में भर्ती करवाया गया था। नाउ एट्थ नंबर क्वेश्चन इज, व्हाट डिसीजन डिड अरुणिमा टेक व्हाइल स्टिल एट द हॉस्पिटल। तो अरुणिमा ने हॉस्पिटल में कौन सा डिसीजन लिया। व्हाइल स्टिल इन द हॉस्पिटल अरुणिमा रिजॉल्व्ड इट क्लाइंब टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। और वो बोलती है कि नहीं, मैं तो इसी पैर के साथ माउंट एवरेस्ट में क्लाइंब करूँगी और चढ़ जाऊँगी। एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग हर डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरकम एंड डिसबिलिटी एंड अचीव टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल, कि इस तरह से मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूँगी जिससे कि मुझे दुनिया वाले याद रखें। एंड द क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, डिस्क्राइब द स्टेप्स सी टुक टू प्रिपेयर फॉर द एवरेस्ट क्लाइंब, कि एवरेस्ट क्लाइंब करने के समय क्या क्या प्रिपरेशन की थी उसको डिस्क्राइब करिए। टू प्रिपेयर फॉर द एवरेस्ट क्लाइंब अरुणिमा ज्वाइंट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ द माउंटेनियरिंग फॉर अ बेसिक कोर्स एंड अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग फॉर 18 मंथ्स, कि अपने सपने को फुलफिल करने के प्रिपरेशन में वो क्या करती है। तो वो पहले तो जा कर के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन कर लेती है 18 महीने के लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। सी क्लाइंब्ड अ स्मॉल डेंजरस पीक, पहले वो छोटे छोटे पीक को क्लाइंब करती है। एंड इंड्यूरिंग सेवरल पेनफुल नियर डेथ एक्सपीरियंसेस ड्राइविंग बाई सीयर ग्रीट एंड डिटर्मिनेशन, इससे वो बहुत सारे दर्द पीड़ा इन सब का सामना करती है और उसको अनुभव भी करती है कि अगर ये छोटा सा माउंटेन चढ़ने में इतना दर्द होता है तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने में हमको और कितना दर्द होगा। इस चीज़ को एकदम कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो डेथ के एकदम नियर चली गई है फिर वहाँ से वो लौट कर आई है, ऐसा ऐसा लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक अरुणिमा टू रीच द समिट ऑफ एवरेस्ट एंड व्हाट डिड शी डू वंस देयर। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक अरुणिमा, कितने दिन लिया था उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने में। एंड डिड शी डू वंस देयर, और फिर उनने और क्या किया था। अरुणिमा रीच द समिट ऑफ एवरेस्ट ऑन May 21, 2013। वंस देयर शी होस्टेड द इंडियन फ्लैग, वहाँ जाने के बाद वो इंडियन फ्लैग होस्टेड करती है, गाड़ती है। एंड फुलफिलिंग हर ड्रीम, अपने ड्रीम को फुलफिल करती है। एंड प्रूविंग हर इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन टू द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया को वो एक ऐसा मिसाल के तौर पे प्रूव करती है कि देखो मैं बिना पैरों के नकली प्रोस्थेटिक लेग के जरिए उसके हेल्प से मैं अगर एवरेस्ट फतेह कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही मीनिंगफुल पर्पस है, उस पर्पस के जरिए वो सभी को मैसेज दे रही है कि कैसे, हाउ वी हैव टू कम्प्लीटेड आवर ड्रीम्स, ना अपार्ट फ्रॉम योर क्रिटिकल सिचुएशन और पैथेटिक कंडीशन। कुछ भी हो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं और आप अपने सपने को फुलफिल करेंगे, गिव अप नहीं कर सकते हैं। ओके, आई थिंक वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर ऑल क्वेश्चन आंसर, एंड आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ पुट अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, मुझे ज़रूर लिखिए कि और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, वो मुझे लिखिए कैसे और इम्प्रूव होगा, ये भी लिख सकते हैं। कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वी विल मीट वेरी सून विथ अनदर वीडियो। ओके, इसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए। थैंक यू।